असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टॉप 10 ऐसे कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप 2 से 3 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं, उनमें SIP करते हैं, तो आपको आने वाले दिन में 20x to 100x का प्रॉफिट होगा। और ये कॉइन जो है वो अंडर $1 के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो हम यहाँ पे मार्केट कैप पे चलते हैं, कॉइन मार्केट कैप। अब कॉइन मार्केट कैप पे आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं क्रिप्टोज जो वो लिखी है वो 19,222 क्रिप्टोज है, यानी कॉइन और टोकन दोनों मिला के। कॉइन टोकन का नहीं फर्क पड़ता, सिंपली यूट्यूब पे जाएं, कॉइन वर्सेस टोकन HN ग्लोबल लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगी। और एक्सचेंज 521, मार्केट कैप इस टाइम $1.7 trillion की है, $86 billion की इस टाइम ट्रेडिंग हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वॉच कर रहा था तो $84 billion थे, यानी $2 billion का इजाफा हुआ मार्केट कैप के अंदर। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.1% इंक्रीज कर रही है और इथेरियम की परसेंटेज भी इंक्रीज कर रही है, 42.5 BTC की डोमिनेंस टाइम चल रही है। तो हम अपने पहले कॉइन की तरफ चल रहे हैं जो अंडर $1 है, वो है कार्डानो, के तारुफ का मोहताज नहीं है। 0.76 जो है डॉलर इसकी प्राइस चल रही है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर है। इसको आप जहाँ से भी परचेज करना चाहें, जिस भी बड़ी एक्सचेंज से परचेज करना चाहें कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इसका जो CEO है वो बहुत बड़ा, अब यूँ समझ लें कि अपने जो कॉइन है वो डंप करता रहता है, लेकिन ये आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन है, आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, अभी ये $3 तक गया था, अभी ये वापस $0.76 पे आ चुका है। तो आप इसको तकरीबन 20x तो इजीली देख सकते हैं 2024-2025 के अंदर। तो इस लिस्ट में हमारा जो दूसरा कॉइन है, वो दूसरा कॉइन जो है हमारा, वो है डोज कॉइन। डोज कॉइन की प्राइस जो इस टाइम करंट चल रही है वो $0.12 चल रही है। आपको हर बड़ी एक्सचेंज पे ये मिल जाएगा। अब इसको अभी SIP इसकी लाजमी है, और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हो गया है, क्योंकि ये पहले मीम कॉइन था। एलन मस्क के आने के बाद मीम जो मीम चीज़ है इसके अंदर से निकल चुकी है, और ये प्रोजेक्ट वाइज जा रहा है, यानी जो लोग उसने ट्विटर खरीद लिया है, टेस्ला के लिए डोज कॉइन यूज़ होगा, ट्विटर में पेमेंट के लिए यूज़ होगा डोज कॉइन, और जो इसकी जो पीछे जो इसके बैकएंड में कोडिंग वगैरह थी, इसकी जो बेहतर चीज़ें वो एलन मस्क की तरफ से की जा रही हैं हिडनली। और हमारे इस लिस्ट में तीसरा जो है वो कॉइन है शिबा इनू कॉइन। अब शिबा इनू कॉइन जो है वो इथेरियम की खुद की ब्लॉकचेन पर है, और आने वाले टाइम में ये अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे भी आ जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, माइग्रेशन कॉइन माइग्रेशन की वीडियो में, आप लिखिए कॉइन माइग्रेशन HN ग्लोबल की, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब इनके पास जो है कैपिटल बहुत ज़्यादा आ गया, इनके पास फेम बहुत ज़्यादा आ गया, इनके पास जो है वो टीम बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से ये अपनी हिडनली वर्क कर रहे होंगे अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर। अब ये एक मीम टोकन की तरफ से आया, जैसे मीम टोकन के हवाले से आया था कि शिबा इनू एक मीम टोकन है, लेकिन अब मीम टोकन ही रहा, अपनी NFT मार्केट प्लेस के अंदर आ चुका है, मेटावर्स के अंदर ये आ चुका है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, और क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसमें प्राइस आपको $1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉइन मिल जाएंगे। अब यू समझ लें ये कल का डोज है, जैसे डोज की आज प्राइस $0.1 है, तो शिबा इनू की प्राइस भी कल को जाके ऐसा हो सकती है। शिबा इनू पे मेरी पूरी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो शिबा इनू HN ग्लोबल लिखे, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में हमारा चौथा कॉइन है, उस चौथे कॉइन पे जाने से पहले, फोर्थ कॉइन पे जाने से पहले, अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल HN Global 1 इसको लाजमी से फॉलो नहीं किया तो इसको लाजमी से फॉलो कर लीजिए। जो हमारा फोर्थ कॉइन है वो है टेनअप कॉइन। टेनअप कॉइन की इस टाइम प्राइस चल रही है $0.1, अंडर वैल्यूड कॉइन है। इसके अभी दो वर्जन है, एक है टेनअप ओल्ड, एक है टेनअप न्यू। अगर आप टर्नअप ओल्ड परचेज करना चाहें तो वो भी आपके फायदेमंद है, अगर आप टर्नअप न्यू परचेज करना चाहें तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपने ओन लिस्ट पे, जितने भी कॉइन बता रहा हूँ अपने ओन लिस्ट पे इन्वेस्टमेंट करना, अपनी खुद की रिसर्च लाजमी करना, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टर्नअप ओल्ड परचेज करें, 2 to 3 months होल्ड करें, उसके बाद जब इसके स्वैप ओपन हो जाए तो आप जो है वो स्वैप ओपन हो जाए तो इसको माइग्रेट कर लीजिएगा इथेरियम नेटवर्क पर। ये अभी इथेरियम की ब्लॉकचेन OKX पर है। इसके अगर हम नीचे अगर आपको मैं दिखाता चलूँ मार्केट कैप की, इसका अच्छा खासा जो है वो अप हो चुका है। ठीक है, अब देखें मार्केट कैप भी अच्छा, आपको इस टाइम ये यूनिस्वैप और OKX पर इथेरियम नेटवर्क का मिलेगा, यानी न्यू टर्नअप, टर्नअप स्मार्ट और स्टेक्यू और स्टैक्स पर आपको टर्नअप ओल्ड मिलेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है वो अपनी 50% टर्नअप ओल्ड परचेज कर लें, 50% आप टर्नअप स्मार्ट परचेज कर लें। स्टेक्यू, स्टैक्स, OKX का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये परचेज कर लें, अपने वहाँ होल्ड रखें। इसके आने वाले दिनों में इसकी खुद की एक्सचेंज आ रही है, इसकी गेमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, और ये पाकिस्तान का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड जो है वो क्रिप्टो करेंसी है।
ठीक है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर है, जो इसके टर्नअप होल्ड है उसकी खुद की ब्लॉकचेन है, और बाकी जो टर्नअप स्मार्ट है वो अथेरियम की ब्लॉकचेन पर, ताकि वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सके। ठीक है, तो आपने ये लाजमी से इसमें भी नज़र रखनी है। उसके बाद जो हमारी लिस्ट में जो पांचवा कॉइन है वो है फैंटम कॉइन। अब फैंटम कॉइन जो है वो काफ़ी अच्छा कॉइन है, $0.7 इसकी प्राइस है रही है, यह अथेरियम की ब्लॉकचेन पर है। ठीक है, और इसको जो बड़े बड़े जो व्हेल्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो फैंटम कॉइन को होल्ड रखते हैं अपने पास, और ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है, तो ये फैंटम कॉइन भी दे सकते हैं। उसके बाद जो इस लिस्ट में हमारा सिक्स्थ कॉइन है वो है द ग्राफ GRT। ठीक है, अब GRT इसके हम किसकी करंट प्राइस चल रही है $0.3, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है। ठीक है, अब इसकी मार्केट का सप्लाई चेक कर सकते हैं। अब ये GRT क्या है, अगर आप थोड़ा सा नीचे आए, GRT जो है वो डीफाई प्रोजेक्ट और Web3 इकोसिस्टम में वर्क कर रहा है, तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके रखें, क्योंकि Web3 का आने वाला टाइम है, तो ये भी आपको अच्छा खासा परफॉर्म करता नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेवन कॉइन है वो है चिलीज कॉइन। इस टाइम इसकी प्राइस करिए $0.1, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है। चिलीज कॉइन जो है वो सपोर्ट करता है फैन टोकन वगैरह को, जो भी फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े जो हैं ग्रुप्स हैं उनको जो फैन टोकन वो रिलीज करता है, और ये क्या कहते हैं आपके एंटरटेनमेंट को और स्पोर्ट को ये जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, उनके हवाले से ये वर्क कर रहा है, तो चिलीज कॉइन अब बहुत अच्छा कॉइन है, तो आप इसको भी लाभ से अपनी लिस्ट में शामिल करें। उसके बाद जो हम बात करेंगे हारमोनी कॉइन की, हारमोनी कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर है, और इसकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी जो फीस है वो बहुत कम है। इसकी जो जीरो इसकी जो फीस है इसकी जो प्राइस है वो $0.07 है। ठीक है, तो आप इसको लाभ से बाय करके रख सकते हैं। सारे जितने भी कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे आपको अच्छी एक्सचेंज पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो हम बात करेंगे नाइन्थ कॉइन की, वह है बाइकोनॉमी। इसकी इस टाइम प्राइस चाहिए $1.02, थोड़ी सी ज़्यादा $1 से आप है, लेकिन इसकी अंडर $1 हो जाएगी अगर आप SIP करें इस सब में कॉइन में, तो अभी जैसे मार्केट डाउन जा रही है तो इसकी प्राइस भी अंडर $1 आ जाएगी। अभी आप चाहें तो करंट प्राइस पे भी जो इसकी कर सकते हैं ऐसे। और बाइकोनॉमी जो इसका प्रोजेक्ट है वो ये है, जैसे कि आपको इथेरियम की ब्लॉकचेन पर टोकनॉमी में थोड़ा मसला आता है, आपको गैस फीस में मसला आता है, आपको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में थोड़ा सा मसला आता है, तो ये चीज़ इसमें हल कर रहा है बाइकोनॉमी, और Web3 की तरफ भी ये जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 10th कॉइन है वो है क्रोनोज। इसका जो पुराना नाम था वो था crypto.com, जिसको चेंज करके क्रोनोज कर दिया। $0.26 इसकी प्राइस चल रही है, और इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है। ठीक है, और ये जो कॉइन है इसका आपका खुद का वॉलेट है। ठीक है, जो क्रोनोज है वो क्रोनोज की अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है, और जिनका एम है वो है डिसेंट्रलाइज जो है वो ट्रेडिंग एंड फाइनेंस सर्विस कंपनी। इनकी खुद की ऐप है जिसके अंदर लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं क्रिप्टो की, क्रिप्टो स्टोर करते हैं, और उन पर अच्छा खासा उनको क्या कहते हैं स्टेकिंग करके रिवॉर्ड हासिल करते हैं। तो ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है क्रोनोज, उस पर ये है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 11th कॉइन है वो भी हमने इसमें शामिल कर लिया, लेकिन है तो 10th की वीडियो थी, लेकिन 11th कॉइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटा बोन फिडा, ये अब ये जो है सोलाना की ब्लॉकचेन पर, अब ये क्या करता है, जैसे अब वेबसाइट है www.com है, www.net है, ऐसे ही जो है वो सोलाना इसकी बोन फिडा जो है वो इसकी जो है इधर से आप जो है वो लो प्राइसेस पर लो गैस फीस पे करके आप जो है वो डोमेन नेम्स जो है वो क्रिप्टो की वो परचेज कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो, हो गया आपको वीडियो अच्छी लगी। मैं आपको डिस्क्लेमर देते चलूँ, जितने भी कॉइन आपने इनमें SIP करनी है, अपने खुद की रिसर्च लाजमी करनी है इनमें इन्वेस्ट करने से पहले, और जितने भी कॉइन बताए हैं लाजमी नहीं कि ये सारे ही बहुत अच्छे हों, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारे आपको अच्छे बताए हैं, लेकिन आप जो अपनी तरफ से खुद रिसर्च कर लीजिएगा। जितने भी मैंने आपको कॉइन बताए हैं लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देंगे, सारे कॉइन जो आपको 20-100x का लाजमी से प्रॉफिट देंगे। तो और आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे दूसरा शेयर करना है, चैनल को भी आगे दूसरा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक सब।